जो ये ईंट के रोड होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन ईंट बाय ईंट होता है एक एक लगा के, बट क्या आपने कभी उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हुए देखा है मशीन के थ्रू? और आपको तो पता ही होगा कि इमोजीज जो होते हैं जो आप डेली यूज करते हो वो टकले होते हैं, बट बाल वाले इमोजीज को आप यहाँ देख लो। नॉन स्टॉप रैंडम अमेजिंग फैक्ट्स की बारिश के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 24, जापान में एक प्रथा होती है जिसमें क्या होता है कि अगर कोई लड़की एक लड़के को पसंद करती है तो उसमें लड़की लड़के के टी शर्ट का यहाँ वाला बटन तोड़ के देने को बोलती है, मांगती है, क्योंकि वहाँ ऐसा माना जाता है कि ये जो बटन है ये हार्ट के करीब होता है, ये बटन दिल के करीब होता है, इसलिए इसको ऐसे तोड़ के दे दो। ये था जापान का एक यूनिक सा प्रथा। फैक्ट नंबर 23, नेक्रो पैंट्स के बारे में आप जानते हो? नॉर्मल पैंट्स से नेक्रो पैंट्स में ये अंतर है कि ये जो पैंट होता है ये कुछ खास नहीं, बस ये होता है कि ये मरे हुए इंसान के चमड़े से बनता है, या कुछ खास फैक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स इट इज खास। असल में क्या है कि आइसलैंड के जो लोग हैं वहाँ पे जो विच क्राफ्ट करते हैं ना, जो जादू टोना करते हैं ना, वो ये मानते हैं कि जिनके पास ये पैंट होता है वो अनलिमिटेड वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। ऑफ कोर्स इट्स अ मिथ, लेकिन वहाँ पे बहुत लोग इस बात को एकदम सच मानते हैं। और इस पूरी दुनिया में एक ही नेक्रो पैंट बचा हुआ है जो कि आइसलैंड के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 22, मिलिट्री ग्रेड, ये जो टर्म होता है ना बहुत सारा आपका व्हीकल्स में या फिर किसी भी चीज में ये लिखा रहता है अक्सर कि ये मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, मतलब मिलिट्री ग्रेड टेक्नोलॉजी का ये जीप है या फिर कुछ भी है। तो असल में ये मिलिट्री ग्रेड को आप उतना खास मत समझिए, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड एक्चुअली मीन्स मीटिंग द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी व्हाइल आल्सो कॉस्टिंग द लीस्ट। ये कुछ खास नहीं है, बस वो अच्छा खासा मजबूत हो और सही दाम में हो, इसका मतलब होता है मिलिट्री ग्रेड। ऑफ कोर्स इट्स अ मार्केटिंग वाला वर्ड। फैक्ट नंबर 21, आपको पता ही होगा कि व्हाट्सएप में हम लोग जितना इमोजीज यूज करते हैं वो सब टकले होते हैं, किसी के बाल नहीं होते, कुछ कुछ छोड़ के ज्यादा साइड वाले, बट आप इन इमोजीज को देख लो, ये है इमोजीज विथ हेयर। और मैं व्हाट्सएप और जितने भी चैटिंग कंपनीज है इनको और यूट्यूब को भी सजेशन दूंगा, टिपिकल सजेशन, कि अपने कीबोर्ड में एक बाल वाला इमोजी ऐड करो। मैं पक गया हूँ टकले इमोजी से। फैक्ट नंबर 20, डिनर इन द स्काई। दुबई में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा रेस्टोरेंट है, आप इसका व्यू देखो, ये आसमान में लटका ये जगह, यहाँ पर क्या आप डिनर करना चाहोगे? इसमें स्टाफ जो है वो ऐसे कुछ कपड़े को अपने कमर पे बांध के फूड सर्व करते हैं। और जो फोर्ब्स मैगजीन है उसमें ये वर्ल्ड्स 10 मोस्ट अनयूजुअल रेस्टोरेंट्स के लिस्ट में भी आया था, डिनर इन द स्काई। आप इसके बहुत सारे पिक्स देख सकते हो। फैक्ट नंबर 19, आपको पता ही है ना कि ये जो फीलिंग है कि ये जो हो रहा है ये मेरे साथ कभी पहले हो चुका है, ऐसा अजीब टाइप का एक फीलिंग होता है जिसे आपको पता होगा कि डेजा वू कहते हैं, डेजा वू, ठीक है। असल में इसका उल्टा भी एक टर्म होता है, एक फेनोमेनन होता है साइकोलॉजी में जिसे कहते हैं जमैस वू। डेजा वू मतलब क्या हुआ, किसी जगह पे जाना और ऐसा मानना कि ये जो कर रहा हूं मैं ये पहले हो चुका है मेरे साथ। और वही जमैस वो चीज होता है ना कि किसी चीज को आप मान लो कि जैसे कोई चीज है, जैसे आपका कोई स्कूल है या फिर आपका घर का एक कंघी है, उसे आप डेली देखते आ रहे हो, ठीक है, स्कूल कंघी ये सब चीजें को, बट आपको उसी स्कूल को देख के ऐसा लगे कि साला ये मेरा स्कूल है। ये मतलब एक ऐसा फेमिलियर चीज जो कि आपको अनफेमिलियर फील हो, ऐसी वियर्ड सी फीलिंग हो, इसे कहते हैं जमैस वू, ऑपोजिट ऑफ डेजा वू। फैक्ट नंबर 18, ट्वीटी बर्ड, आप इसे देखो, ठीक है, वार्नर ब्रॉस के कार्टून के सीरीज में ये बर्ड आती है, ठीक है, ट्वीटी बर्ड, और ट्वीटी को स्वीटी भी कहा जाता है, स्वीटी से नाम पड़ा है ट्वीटी। पर अजीब बात ये है कि ये जो ट्वीटी बर्ड है प्यारी सी, ये जो है ना इसको एक्चुअली में बोलना चाहिए प्यारा सा, बिकॉज ट्वीटी बर्ड इज अ मेल, नॉट किडिंग, ये एक मेल है, लोग इसे अक्सर फीमेल मानते हैं बट ये मेल है। फैक्ट नंबर 17, एक ट्रिप पे एक हस्बैंड गया हुआ था, और क्या है कि ये वो जमाना था जब कोई कम्युनिकेशन का मींस नहीं था इजी, तो सैमुअल मॉर्स ये नाम था, यही ट्रिप पे गए हुए थे, और क्या हुआ कि इनको अपने वाइफ की किसी प्रॉब्लम के बारे में पता चला, और जब तक ये आया ना तब तक वो मर के उसको बरी भी कर दिया गया था, अजीब कहानी है। तो फिर सैमुअल मॉर्स ये नेक्स्ट 45 साल
टेलीग्राफ जो सबसे अर्ली कम्युनिकेशन का मींस था उसको इन्वेंट करने में लगे रहे और 45 साल बाद जाके इन्वेंट कर भी दिए। एक ऐसा जरिया जिससे आप कितनी भी दूर हो बट आप अपना बात को शेयर कर पाओगे, पहुंचा पाओगे। ये इन्होंने कहा कि ये इसे इसलिए डिस्कवर किए ताकि ये जो दूर रह के खबर पाना फिर जल्दी एक्ट नहीं कर पाना, ये जो फीलिंग हुई उनको अपने वाइफ की डेथ की, इसे कोई और ना फील करे। अमेजिंग, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ। फैक्ट नंबर 16, साल 1880 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइंटिस्ट था, उसका एक स्टाफ था। तो वो पता नहीं कुछ खराब काम किया, गलती कर दिया। वो अपने स्टाफ को बोला कि क्या कर रहा है, तेरे से अच्छा तो मेरी नौकरानी कर लेगी। तो वो असल में अपने नौकरानी को ही अपने साइंस के टीम में ले लिए हैं और वो 10 साल से भी ज्यादा काम किए और बहुत सारे इन्वेंशंस किए और वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार और नेबुलास और हजारों स्टार्स के बारे में रिसर्च किए। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15, कियानू रीव्स जो ये एक्टर है, ये अपने फिल्म में क्या करते हैं ना, इनका जो फिल्म का पे चेक होता है, इनका जो फिल्म का जो वो ना, उससे थोड़ा सा अपना डोनेट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। देखो अक्सर क्या होता है कि अगर एक ही फिल्म में 4 हिट एक्टर को ले लिए तो क्या होता है कि डायरेक्टर को सबको पैसा देना पड़ता है बहुत ज्यादा करके, तो ऐसे फिल्म बहुत कम बन पाती है। ठीक है, एवेंजर्स उसमें से एक एग्जांपल है, लेकिन वो तो अल्ट्रा सक्सेसफुल भी हुई थी। पर ज्यादातर फिल्म में एक मेन एक्टर होता है और वो अपना पैसा क्यों देगा। बट कियानू रीव्स जो है ये करते थे कि अगर उनको $10 million मिलना है ना, वो उसे 5 ही लेंगे और बाकी 5 डायरेक्टर को बोल देंगे कि आप इससे और बड़े बड़े एक्टर्स को ले आइए ताकि हमारे मूवी का परफॉर्मेंस अच्छा हो। ऐसा बहुत कोई नहीं करते हैं। द डेविल्स एडवोकेट मूवी में ये अपना फ्यू मिलियन डॉलर्स को न्यौछावर कर दिए थे ताकि अल पसिनो जो कि एक बहुत बड़े एक्टर हैं उनको लिए और ये मूवी बहुत ज्यादा हिट भी हुआ। फैक्ट नंबर 14, ट्रिप एडवाइजर एक कंपनी है, ठीक है, और उसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, तो आप उसको अपना ट्रिप एडवाइजर में लिस्ट कर सकते हो और लोग उसमें आपके रेस्टोरेंट के बारे में देखेंगे और आएंगे आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो क्या है कि पहले एक ऐसा चीज किया एक इंसान जो कि अनबिलीवेबल था, वो एक फेक रेस्टोरेंट का पिक डाल दिया और उसपे लोग उसका पिक्चर देख के मस्त रेटिंग भी देने लगे। ठीक है, 5 star 5 star 5 star, और उसके एड्रेस पे लोग क्या हुआ कि अचानक से आने लगे। वो रात को सोया है, बाहर देख रहा लोग आए हुए हैं और तो क्या करूं, तो वो अपने गैरेज को ही रेस्टोरेंट में बदल दिया और सबको खिलाने लगा और ऑनलाइन उसका जो वो प्रोफाइल था ट्रिप एडवाइजर का वो वायरल होने लगा और कहां कहां से लोग आते रहने लगे और वो लंदन का सबसे नंबर 1 रेस्टोरेंट भी बन गया। और ये सब हुआ सिर्फ एक दिन के अंदर, ये वायरल काम। तो उन्होंने एक दिन के लिए अपने बैकयार्ड को अपना कैफे बना दिया और जब लोग आए तो तुरंत पका के खाना खिलाया। ऑनलाइन फेक प्रोफाइल वगैरह आजकल बहुत चलता है। फैक्ट नंबर 13, एक सो कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला था कि चीज जो है ये एकदम ड्रग्स की तरह एडिक्टिव है। ठीक है, और लोग उस स्टडी पे शक करने लगे। बाद में ये पता चला कि जो डाइटिशियन जो कि ये क्लेम कर रहा था वो एक ऐसी कमेटी का हिस्सा था जो कि चीज को हेट करती थी, इसलिए वैसे स्टडी पब्लिश कर रही थी। मतलब यही ना दोस्तों कि क्या बोलूं मैं, ये बहुत खराब चीज है। बट आजकल के दुनिया में इसे साइंटिफिक पेपर पर भी भरोसा करने के पहले आप ये देख लो कि उसे कौन पब्लिश कर रहा है, क्योंकि छोटे मोटे जो ग्रुप्स होते हैं वो तो कुछ भी पब्लिश कर देते हैं। फैक्ट नंबर 12, साल 2004 में स्लैमर नाम का एक कंप्यूटर वायरस जो था ना, वो पूरे इंटरनेट को लगभग 15 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट डाउन कर दिया था। ये मैलवेयर 1 KB से भी कम 404 बाइट्स का था बस, और वो अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग आईपी एड्रेस में अपना मिलियंस ऑफ कॉपीज बना रहा था और इसके चलते $1 billion यानी करीब 7,000 करोड़ का लॉस हुआ अलग अलग कंपनीज को। और सबसे अजीब बात ये है कि ये सबसे मिस्टीरियस वायरसेस में से एक है। इस स्लैमर नाम के वायरस को जो कि साल 2004 में आया था, इसका क्रिएटर कौन था ये कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया आज तक। और वायरस से रिलेटेड और एक चीज है ना कि ये बहुत एक डीप हाइपोथेसिस है, मतलब किसी का नाम किसी का नेम लेना सही नहीं है यहाँ पे। बट जितने भी एंटीवायरस कंपनीज है ना, ऐसे बहुत लोग क्लेम करते हैं कि ये एंटीवायरस कंपनीज जो है ना वो खुद वायरस शेयर करती है और खुद उसका एंटीवायरस बना के कमाती भी है, जिस तरह सिगरेट बनाने वाली कंपनी कैंसर का एक संस्था भी चलाती है। वर्ल्ड ना बहुत अजीब हो चुका है, पता है, बहुत अजीब। लोग कुछ भी करेंगे पैसे के लिए। फैक्ट नंबर 11, चिरोप्रैटिक मेडिसिन, इसका जो क्रिएटर थे डीडी पाल्मर, वो ये क्लेम करते थे कि मुझे ये दवाई बनाने का जो नॉलेज है ना वो मरे हुए फिजिशियन जिनका नाम था जिम एटकिंसन उनसे मिला, और ये जो चिरोप्रैटिक मेडिसिन है ये बहुत चीजों में काम आता है।
आजकल के दुनिया में। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या फिर किसी भी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट में ये मेडिसिन काम आता है। और सबसे अजीब बात है कि इतने बड़े मेडिसिन के एक्सपर्ट होके इन्होंने ऐसी बात क्यों कहा कि ये उनको मरे हुए फिजिशियन से मिला है। इनके विकिपीडिया पेज में मौजूद आप ये कोट को पढ़ सकते हो। फैक्ट नंबर 10, ग्लेन चनिंगम, ये जब 8 साल के थे तब इनका पैर जो था वो स्कूल के एक एक्सप्लोजन में बर्न हो गया था, जल गया था, और डॉक्टर ने कहा कि ये कभी भी फिर नॉर्मली वॉक नहीं कर पाएंगे। बट फास्ट फॉरवर्ड 17 ईयर्स लेटर, 17 साल बाद उन्होंने क्विकेस्ट माइल रन का रिकॉर्ड बनाया। दैट्स इट, मतलब उन्होंने हार नहीं माना और अपने पैर को ट्रेन किया। भले ही स्किन जला हुआ था बट अंदर से उन्होंने ट्रेन करके उतना ही मजबूत रखा। क्या नहीं हो सकता इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 9, जो ये वीगन फ्रूट होता है, आप बोल सकते हो कि ये जो ऑरेंज है इसमें किसी भी मतलब मीट या फिर नॉन वेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट आपको जान के हैरानी होगा कि इसको जो स्टोर में रखा जाता है, स्टोर्स में फ्रूट को सेलेक्स वैक्स से स्प्रे किया जाता है ताकि ये फ्रेश रहे बहुत दिनों तक, और ये जो सेलेक्स वैक्स है ये इंसेक्ट से बनता है। फैक्ट नंबर 8, नेपाल में एक फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं कुकुर तिहार, यानी वर्शिप ऑफ डॉग्स, और इस दिन ना पूरे दिन कुत्तों की पूजा की जाती है। कुत्तों को बहुत लॉयल माना जाता है और इनकी जो लॉयल्टी और फ्रेंडशिप है इंसानों के साथ उसी को अप्रिशिएट करने के लिए ये फेस्टिवल नेपाल में मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, एक बहुत ही, ये कोई फैक्ट नहीं बट एक वंडरफुल सा यूजफुल सा एक क्वोट है, आप एप्रोप्रिएट पर्सन को बोल सकते हो कि एवरी टाइम आई लुक एट द कीबोर्ड आई सी दैट यू एंड आई आर ऑलवेज टुगेदर। फैक्ट नंबर 6, बेल्जियम और नीदरलैंड्स, ये दोनों कंट्री को वर्ल्ड मैप में देखो, इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया में, उसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसी के ऊपर बहुत सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, मतलब बैंक्स और बिल्डिंग्स के बीच से ही अलग अलग देश डिवाइड होते हैं। मान लो आपका जो घर है, आपका जो रूम है, उसके बीच से अगर कोई कंट्री डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये ना कि आपका घर का आधा पार्ट एक देश में है और दूसरा पार्ट दूसरे देश में है। यही होता है एक्चुअली में यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उसमें, बैंक्स में, और ऐसे पूरे वर्ल्ड में बहुत जगह होता है। दिस इज अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, मच्छर जो होते हैं मॉस्किटोज, वो क्या फीड करते, क्या खाते हैं? आप कहोगे कि हमारा खून और क्या चूस लेते रात को, बट दैट्स नॉट ट्रू। पता है मेजोरिटी ऑफ द मॉस्किटोज जो है ना वो नेक्टर और प्लांट जूसेस को फीड करते हैं, नेक्टर और प्लांट जूसेस। और जो ब्लड फीडिंग होती है वो एक्चुअली में मेल मॉस्किटोज नहीं, फीमेल मॉस्किटोज तब करती है ये ब्लड फीडिंग जब उनको एग प्रोड्यूस करना होता है, बच्चों को जन्म देना होता है। मतलब आपको कोई भी मच्छर काटता नहीं है, काटती है, बिकॉज दे आर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल मॉस्किटो ही काटती है जब उनको एग को प्रोड्यूस करना होता है। फैक्ट नंबर 4, मिल्की वे जो है हमारा गैलेक्सी, वो कॉस्मोस के एक ऐसे वॉइड में है जो कि द लार्जेस्ट वॉइड नोन टू साइंस है। जी हाँ, हमारा जो मिल्की वे है ना वो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एक सबसे डिस्टेंट एरिया में, मतलब अगर मिल्की वे हमारा यहाँ गैलेक्सी है तो बाकी चारों तरफ ना जहाँ भी एलिमेंट्स हैं वो सब पूरा एकदम मस्त एकदम भीड़ भाड़ वाला है, बट मिल्की वे जो है वो बहुत अलग है सबसे। दैट्स रियली अमेजिंग, और हम लोग वहीं रहते हैं। इसे कॉस्मोस का स्विस चीज स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, आप इस आर्टिकल को देख सकते हो, डेली गैलेक्सी का आर्टिकल। फैक्ट नंबर 3, इस आर्टिकल को आप देखो, माई इंडिया माई ग्लोरी का, और इसमें ये लिखा हुआ है कि एक इंसान एम्बुलेंस के कमी की वजह से अपने माँ को खो दिया, उसके बाद उसी टाइम उसको ऐसा एक फील हुआ फीलिंग कि वो किया कि वो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी से ऐसा कोई मरे, कोई इंसान मर जाए एम्बुलेंस नहीं आने के चलते, ये हो नहीं सकता है। उसके बाद इस इंसान ने अपने बाइक को एक एम्बुलेंस में बदला, और जब भी अपना काम करके आता था उसके बाद ये घर घर जहाँ जहाँ एम्बुलेंस नीड होता था वहाँ पे जाके लोगों की मदद करता था, और सबसे मेन चीज ये है कि ये काम वो फ्री में करता था, अपना वो दिन का जॉब करके आ गया, अब जो खाली टाइम है उसमें ये लोगों की हेल्प करता था। Amazing. Fact number 2, पहले के जमाने में लोग ये मानते थे कि हमारा जो भी ये आसमान में दिखता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो सब कुछ एक गैलेक्सी में समाया हुआ है, इसका नाम है मिल्की वे। मतलब इट वॉज बिलीव्ड दैट द मिल्की वे कंटेंट एवरी स्टार इन द यूनिवर्स, बट बाद में ये पता चला कि ये तो चुल्लू भर ड्रॉप है इस समुन्द्र में। अरे बाप रे बाप।
मतलब आप फील करो हमारा ये धरती है, वो एक सोलर सिस्टम में है, वो सोलर सिस्टम एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और ये गैलेक्सी खरबों गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी है, और हो सकता है कि ये पूरा यूनिवर्स का सेट अरबों खरबों यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में हो, और ये भी हो सकता है कि वो पूरा यूनिवर्स का सेट अरबों खरबों यूनिवर्स के सेट्स में से एक हो, और हो सकता है कि वो सेट भी खरबों सेट्स। कहाँ खत्म होता है ये, कमेंट में कोई लिखो कहाँ खत्म होता है, आई वांट टू नो। फैक्ट नंबर वन, इस मशीन को देखो, इसे कहते हैं टाइगर स्टोन मशीन, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक बहुत ही यूनिक मशीन है, इसमें जो वर्कर्स है ना वो रैंडमली ईंटे को डालते हैं इसमें, और वो मस्त सजा के गिराता है नीचे। देखो मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, मस्त सजा के गिराता है और रोड मस्त बनते जाता है। ये दुनिया के सबसे यूनिक कंस्ट्रक्शन मशीन्स में से एक है, इसका वर्किंग आप यहाँ पे देख सकते हो। ये किसी भी रैंडम ब्रिक को सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में पुट करता है और इससे रोड बिल्कुल आसानी से बन जाता है। दैट्स रियली अमेजिंग, द टाइगर स्टोन मशीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नीचे कमेंट भी जरूर कर देना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस धांसू वीडियो।